एस्कन वालों को देख रही थी, उनकी भी नींदें उड़ी हुई है। आपको क्या बचता है? बहुत कुछ बच जाता है जी। मेरे बच्चे डर गए, आप मेरे बच्चे आपको देख के डर गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आप देख रहे हैं मिठू चिट्टियां कलाइयां टीवी और मैं हूं आपका एंकर मिठू चिट्टियां कलाइयां वाला। हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी बहुत ही मोहतरम और ऐसी कमाल की शख्सियत जो कि पैसों में खेलती हैं, ऐसे पैसों में खेलती हैं कि हर वक्त पैसा आता है आता है आता है आता है आता है आता ही रहता है, जाता नहीं है कहीं भी। तो कैमरे के अंदर तो आपने देख लिया होगा एक ऐसी मशहूर शख्सियत पीनो फकीरनी। पीनो फकीरनी के पास चलते हैं जी, उनसे पूछते हैं उनकी ये हालत, ये अमीरी का राज, ये सब कुछ किसने किया, कैसे पैसा कमाया, कैसे पैसा आया, और इस फील्ड में उनके खानदान में से कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो चलते हैं जी। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। नहीं जी नहीं, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपका, आप मुझसे भीख ना मांगे। आप फकीरनी, आपका नाम जरूर है पीनो फकीरनी, लेकिन आप मुझसे भीख ना मांगे। लेकिन मुझसे जो सवाल करता हूँ उसका हमारे पास इतना टाइम नहीं होता बाबा। हम तुम्हें पता है कितना कीमती टाइम है, इतनी देर में मैंने 10 लोगों से भीख मांग लेनी थी बाबा। कोई बात नहीं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। मुझे कहा करती थी कि तुम शहजादी हो, शहजादी देखो अब लग रही हूं ना, क्या हुआ? मेरा चश्मा मुझे वापस करें। अल्लाह के नाम पे ना दे बेशक, लेकिन तारीफ तो कर दे। नहीं नहीं, आप मेरा चश्मा मुझे वापस करें, फिर बाद में तारीफ करूंगा आपकी एक्टिंग की, तारीफ करूंगा आपकी, क्योंकि आपने इतना अच्छा एक्ट किया है। और आप अच्छा जी, आपसे चंद सवाल करूंगा मैं, इसमें मुंह बनाने वाली बात नहीं है। इसके बाद एक एक सवाल के बदले एक एक अल्लाह के नाम पे देना है तुमने मुझे। फीस वाल के बदले आपको मैं 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए थोड़े हैं आज के दौर में, ये 10 रुपए का गुजारा नहीं होता है। हमें कोई 50 दे हम उसके मुंह पे मारते हैं। अच्छा, इतनी आप स्टैंडर्ड की फकीर नहीं है? स्टैंडर्ड की हमारे बहुत जगह पे अड्डे हैं जहाँ से हम मांगते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अच्छा, आप अड्डों पे भी मांगती हैं? हाँ, अड्डों पे भी मांगते हैं। हमारे पता कहाँ कहाँ पे अड्डे हैं? लारी अड्डे पे है अड्डा आपका? ना सच्ची में ना, अब डिफेंस में है। हम पहले अमेरिका, यूरोप, लंदन, यहाँ से जाके मांगा करते थे। आज हमारे बंगले हैं, हम एक भी टाइम, एक भी घंटा, एक भी मिनट जाया नहीं करते। हम मांगते हैं, सड़कों पे नहीं मिल रहा, मोबाइल खोलो, आजकल मोबाइल पे भीख मांगना बड़ा आसान है बाबा। आप डिजिटल फकीर नहीं है? डिजिटल कह सकते हो बिकारन, डिजिटल बकारन। जी बिल्कुल जी, मैं सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं डिजिटल बकारन का कहना भूल गया, क्योंकि जो इनके सरप्रस्ती आला है उन्होंने मुझे बताया था कि आप इनके सामने किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना करना कि जिससे इनको गुस्सा आ जाए। ये थप्पड़ भी रसीद कर देती हैं, इसलिए मैं बड़े मुहतात होकर बैठता हूँ। हमने बड़े दांत तोड़े हैं लोगों के। हमारे दांत देखो बचे हुए हैं, मजबूत है, मजबूत है, क्योंकि थप्पड़ नहीं, थप्पड़ तक मौका नहीं आने देते हम बाबा। धक्के जितने मारने हैं मार लो बाबा। अच्छा जी, आपसे एक सवाल है जी, आप इस फील्ड में कब से हैं और आपके खानदान में से कौन कौन से लोग? खानदान का नाम नहीं ले बाबा, खानदान का नाम ना ले बाबा। वो क्यों? हमारी लड़ाइयां हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे अड्डे पे कब्जा कर लिया था हमारे रिश्तेदारों ने बाबा। तो फिर कैसे छुड़वाया? क्या छुड़वाना है, हमने और अड्डे खोल लिए। पीनो बबीरी भिकारन, कैसा नाम है मेरा। वैसे मेरी माँ मुझे प्यार से बबली भी कहा करती थी। बदतमीजी कर रहे हो तुम, ज्यादा हद से पढ़ रहे हो। जुए तो आपकी बहुत ज्यादा है। ओए, 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 ओए। आ तो जुए जान के रखते हैं ना, हमने खुद छोड़ी हुई है। क्यों? इनके नाम का भी हम मांगते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, आप ऐसे ऐसे जब करती हैं तो लोग ज्यादा देते हैं आपको कि यार, हाँ, ये बदबू आ रही है तुमसे बाबा, बदबू आ रही है, जल्दी जल्दी इंटरव्यू करो। मुझसे बदबू आ रही है? हाँ, हम सफाई पसंद नहीं है ना, हमें सफाई इतनी बर्दाश्त नहीं होती बाबा। मैं खुशबू लगा के आ गया। मैं पता है, हमारे अपनी सोसाइटियां हैं, हमारे अपने टाउन हैं, हमारे अपने बंगले हैं, हमारे अपने शोरूम हैं।
ओ आई सी, ऐसे नहीं बनाए कैसे बनाया आपने? ऐसी चुटकियों में बना दिए हमने बाबा। हम तो सड़क पे जाते हुए बहन भाइयों को भी कह देते अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे और मेटे दो। अच्छा तो ये जो डिजिटल तरीके से आप मांगती हैं, डिजिटल तरीके से जिसमें कोई ना कोई ऐप्स वगैरह तो होंगी, कैसे मांगती हैं? बीको 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 हम बीको से भी मांगते हैं। अच्छा हाँ, हम जो है तुम्हें पता है ये जो सितारा की बड़ी बहन है हाँ? उसका जो खसम है यह वो भी बीको बीको पे होता है। उसके साथ बड़ी दफा हमने ना बीको बीको लगाई है। अच्छा? और उसके बाद हमने बड़ा मांगा है। उसने तो दो खजूरों के बाग भी हार लिए। नहीं तो मांगती कैसे हैं आप? बीगो पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कैसे मांगती हैं? क्या तरीका? टिकटॉक पे? यूट्यूब, टिकटॉक, बीगो बीगो लाइक भी आ गया आजकल मैदान में, इंस्टा भी है। अच्छा हाँ, जब उसमें क्या होता है, स्टिकर्स आते हैं या कि कोई वैसे पैसे? गिफ्ट, गिफ्ट। हाँ वहाँ पे हम सीधा सीधा कह देते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम। लोग तरस खा के दे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े घर वाले भी बैठे होते हैं, अमीर अमीर लोग मांगते हैं। अच्छा तो हमारी हालत को देख के कुछ ज्यादा ही लोग तरस खा लेते हैं। तो हम कुछ ज्यादा ही कमा लेते हैं। इसका मतलब है कि मैं एक बड़ी एक अच्छी शख्सियत के पास आया हूँ जो कि किसी तारफ की मोहताज नहीं है, हर तरीके से मांगती है, डिजिटल तरीके से मांगती है, लाइव मांगती है, इशारों पे खड़े होकर मांगती है। वो आ रही है, तुमसे वो आ रही है, जल्दी जल्दी इंटरव्यू करो, वो आ रही है, बर्दाश्त नहीं होती हमें। ये जो परफ्यूम लगाते हो तुम लोग, ये जो साबुन से नानू के आ जाते हो ना, हमें खुशबू बर्दाश्त नहीं होती तुम लोगों की। चले जी थोड़ी देर बर्दाश्त करें। तो अच्छा आप जब इशारों पे मांगती हैं तो कैसे मांगती हैं? इशारों पे ऐसे ऐसे इशारों पे खड़े होके मांगते हैं अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अगर तो ना दे तो क्या करती हैं आप? देखिए जी अगर दिन में कोई जो है ना डैश डैश ना करवाए अपनी तो हम 5-7 हज़ार डेली का कमा लेते हैं। अच्छा समझे? अच्छा मतलब अगर कोई बेगैरती ना करे भीख देने वाला तो आप 5-6 हज़ार 7 हज़ार डेली का कमा लेते हैं। अच्छा कमाते हैं। आपको पता है हमारा ये भी तरीका कार है नहीं कि हम से नेकियां खरीदो। अच्छा तो आप क्या करती हैं फिर, कैसे मांगती हैं? आपने कहा जी मैं नेकियां भी दे देती हूँ, वो कैसे? देखे जी 100 रुपए में 2000 नेकियां, 100 रुपए में 2000 नेकियां, 100 रुपए में 2000 नेकियां, 200 में 4000 ने किया। लोगों को अपने आप ही यकीन है कि उन्होंने नेकियां नहीं की हुई, वो हमसे खरीदते हैं। नेकियां आपसे खरीदते हैं? हाँ, एक बार तो मेरे पे पर्चा हो गया, फिर पकड़ के ले गए पुलिस। फिर क्या हुआ? फिर उनको भी अल्लाह के नाम पे देना पड़ा। अच्छा पैचा पैचा। फिर छूट गए, ठीक है, और फिर आ गए हम वापस। हमने कहा तुम लोगों को भी आना चाहिए हमसे नेकियां मांगो, लोग पैसा दे जाते हैं। नए नए तरीके जात किए हैं मांगने के हम लोगों ने। वो कैसे? कई दफा तो लोग वापस भी मांगने आ जाते हैं। क्यों? बस कहते हैं कि नेकियां हमें लग रहा है कि तुमने नेकियां हमें नहीं दी। अच्छा हाँ। अच्छा अगर कोई आप मांगते हो कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अगर आप मांगते हो तो वो कहता है माफ कर। हाँ। तो आप जब वो चला जाता है तो क्या करती हैं आप? बद्दुआएं देते हैं, छोली उठा उठा के बद्दुआएं देती हूं मैं। कैसे? जब तेरा बेड़ा करे कोई, जब तेरा सत्यानाश हो, जा तू खुड्डे लैन लगे, जा तेरी बीवी तुझे खाना ना खिलाए, तुझे घर से बर्तन धुलवाए, सफाई करवाई, बड़ी बड़ी बत्तवाएं देते, दो चार लोगों को लग गई, वापस आ गए मेरे पास। अच्छा फिर कहता भाजी ये ले, तूने लगता है कुछ ज्यादा ही बत्तवाएं दे दी थी आज, घर में बड़ा हमारा शर्म शर हो गया। अच्छा अगर आपकी बद्दुआ देते हुए कुछ सुन ले तो फिर क्या हाल होता आपके साथ? सुन लेते हैं फिर क्या, लड़ाई हो जाती है। ये बाल ऐसे तो नहीं हमने पटवाए हुए, ये देखो खुट छुट पड़ती है। हाँ, बाल पकड़ लेते हैं एक दूसरे के। मेरे सामने एक फकीरनी को या फकीर को ऐसे मैंने देखा, मैं कहा ये दोनों फकीर और फकीरनी मांग रहे हैं। हाँ। तो बता। अच्छा मैंने भी अक्सर एक दो बार ऐसे देखा है कि जी अगर कोई फकीर किसी को बद्दुआ दे रहा है तो वो आके उसको कुटना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया, तो बड़ी बुरी हालत करते हैं भाई। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आपको हुलिया देकर वो आपको छोड़ देते हैं? हमारे तो हुलिया ऐसे ऐसे होते हैं, उनके पास तो एक ही टी शर्ट तो होती है ना। हाँ हाँ। तो हमने फाड़ देनी होती है तो डर के मारे भाग जाते हैं। जब हमारे कपड़े फटने की बारी होती है तो हम तो ऑलरेडी 3-3, 4-4 कुर्ते पहन के रखते हैं।
अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये दे दे मुझे, मैं भी लोगों के ऐसे स्पीकर लगा के मांगूंगी। मुझे लगता है तू भी भिखारी है। नहीं 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 नहीं, ये चिट्ठियां खिलाएंगे टीवी जो है ये बड़ा मशहूर। चिट्ठियां खिलाएंगा, चिट्ठियां खिलाएंगा। ओह माय गॉड, मेरी चिट्ठियां खिलाएंगा वे, और मेरी चिट्ठी अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। आप इतना ज्यादा ये मेकअप करती हैं या क्या? ये हुस्न का राज है। मैं हाथ तो धोती हूँ, रोटी शोटी खानी होती है, हाथ हाथ पे धो के रखती हूँ। अच्छा हाँ, वैसे मुंह पे अब साबुन कौन जो है लगाए, जो मुंह पे साबुन लगाना है वही हम बचत कर लेते हैं। हमारे टाउन है बड़े बड़े। अच्छा बड़े बड़े टाउन है। हमारे बड़े बड़े मोबाइल है, अड्डे बड़े बड़े मोबाइल है हमारे पास। अच्छा, जब आपने ऐसे बाजू किया तो बड़ी अजीब सी स्मेल आई मुझे। वो कोई बात नहीं, असल में बचत करते हैं ना पानी साबुन की हम लोग। अच्छा, पानी साबुन की बचत करते हैं। हाँ, पानी हाँ, जाया नहीं करते। जाया नहीं करते ना तुम लोग बदतमीज हो, डेली नहा नू के ऑफिस शॉफिस जाते हो, तुम लोग पानी ज्यादा जाया करते हो। अच्छा, अक्सर ज्यादा फकीर या फकीर नहीं है, नशा करते हैं तो वो क्यों करते हैं? जागना पड़ता है, टेंशन होती है हमसे ज्यादा। कमाल और तो दूसरा कमा के नहीं ले गया, ये टेंशन होती है इसलिए हम लोग ज्यादा नशा करते हैं। नशा नशा कर लेते हैं आप? वो भी टेंशन होती है ना कि भाई साथ वाला कुछ ज्यादा दिहाड़ी लगा के तो नहीं आया। ओ, सूटा साटा भी लगा लेते हैं, बड़ा अजीब सा माहौल बनाते हैं आप अपनी झोंपड़ियों में, और झोंपड़ियों में रहना आप ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, महल में नींद नहीं आती, बेडों पे नींद नहीं आती। हमारे अपने शोरूम है बड़े बड़े फर्नीचरों के भी, गाड़ियों के भी। अच्छा, आपके अपने? हमें नींद नहीं आती साफ सुथरे बिस्तर पे। अच्छा हाँ, अब ये मैं देख रही थी, अच्छा मैं यूट्यूब पे देखती होती हूँ ना, हाँ तो वहाँ पे भी मैं रेस्कन वालों को देख रही थी, उनकी भी नींदें उड़ी हुई है, उनको वो भी भिखारी है हमारी तरह। कौन? ये रेस्कन वाले जो हो गए। अच्छा वो रे, हाँ। अच्छा रेस्कन, ये खबरें दे रहे होते हैं। ओके ओके ओके, आई नो आई नो। हाँ समझा करो। बिल्कुल समझ गया। देखो जी बस क्या करें, सूटी सूटी लगा लेते हैं ना। आप भी सूटा सूटा लगा देती हैं? सड़े अंग अंग विच सूटे ने चाहिया ने, पुलिस ने साड़िया दौड़ा लगवाइया ने। कई दफा पुलिस हमारे पीछे बैठ जाती है और कहती है हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो, फिर देना पड़ता है। अच्छा, ये सारा कुछ हम समझते हैं कि 10-15 लोगों ने समझो हमें नहीं दी भीख, भीख नहीं दी। बिल्कुल, ये भी हमारे साथी हैं। अच्छा, ये आपके साथी बताओ किस पे पर्चे कराने हैं, मैं करा के दूंगी, बड़ी जान पहचान है हमारी, क्योंकि हमसे हिस्सा लेते हैं ये लोग भी, समझ आई? आप तो बहुत पहुंची हुई है, लेकिन हम इस तरह के बंदे नहीं है कि किसी पे पर्चा कराएं। मैं इतनी पहुंची हुई हूँ तो मैं नेकियां बेचती हूँ ना। अच्छा, आप नेकियां बेचती हैं जो, उसमें से आपको क्या बचता है? बहुत कुछ बच जाता है जी। अच्छा तो जी, मुझे बताएं कि आप इस काम में कैसे आई? देखिए जी, मैं जो हूँ ना सितारा की एक्टर थी। है? हाँ। अच्छा, यूट्यूबर नहीं है जो यूट्यूबर है? यूट्यूबर सितारा यासीन। हाँ, व्लॉग श्लॉग बनाती है। तो मैं ना, मैंने जब देखा ना लड़की बड़ी ऊपर जा रही है, तरक्कियां शरक्कियां कर रही है, तो मैं उसकी एडर बन गई, मैं उसको गाला गुला देती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब मैंने सुना ना ये जो तारा बीच में आ गई, ये तारा बाजी तारा जो है वो थप्पे केस करवाती है। अच्छा, सितारा तो चलो छोड़ देती थी, नरमी कर जाती थी। तो देखे जी, अब जब से मुझे पता चला है ना कि ये केस हो रहे हैं, हमने भी मांगना शुरू कर दिया। हमने कहा बचो, कोई पहचान भी नहीं सकता मुझे। कोई पठान नहीं सकता या पहचान नहीं सकता? देखे जी, पहचान नहीं सकता मुझे, अपने आप को बदल लिया मैंने। ओ ठीक है ठीक, लेकिन चैनलों से ज्यादा कमाती हूँ मैं। अच्छा, चैनलों से आप ज्यादा कमाती हैं? हाँ, खाली मेरा सादा तरीका नहीं है मांगने का। और कौन सा तरीका है? गाना भी गा लेती हूँ, बोर नहीं होते ना लोग। अच्छा, कोई गाना सुनाए तो सही, जरा गाना कोई। मैं ठुमका लगा के गई, लगा दे सुई मेरी टुई, उई हुई। Oh my God. अगर इससे बोर हो जाए फिर? तो फिर मैं पुदीना पुदीना गाती हूँ। वो कैसे? पुदीना आ आ आ, पुदीना आ आ आ। अगर इससे भी कोई बोर हो जाए तो? बोर हो जाए तो पांच अफिया दलदार, ये भी कर लेती हूँ मैं। वाह जी वाह, आप, हाँ। आपके अंदर तो बहुत ज्यादा टैलेंट है। मेरे अंदर तो बहुत भरा हुआ है टैलेंट, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है? मुच्छड़ है।
मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर एक टैलेंट ये भी। तुसी बंजिया अंदर कर रोकली। पल गया ना, पल गया, पल गया। तुम्हें लगे ना पे हम नहीं देंगे कुछ भी। नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं दे, तुम्हें तो टमाटर मारने नहीं, नहीं, चाहिए। अच्छा मेरा टाइम जा रहा है। चलो जी जो भी है बाहर। इतनी देर में मैं इतने लोगों से भीख मांग चुकी होती, अभी मुझे इजाजत दो ठीक है ना। आपकी बंबीरी भाजी पीनो है, जो बबली भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसके मुस्तकबल में आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या करना चाहते हैं? नहीं हमारा यही मुस्तकबल है, यही मुस्तकबल है। हमने अपने बड़े रिश्तेदारों को बाहर मुल्क भेजा हुआ है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे कम से कम 15-16 है बस। 15-16 बस, कंफर्म बताएं 15 या 16? 16 आने वाला है ना, समझ जा रहे। अच्छा आपके मियाँ काम क्या करते हैं? इतनी बरकत है, इतनी बरकत है हमारे बच्चों में, माशाल्लाह दो दो तीन तीन इकट्ठे आते हैं। अच्छा दो तीन इकट्ठे आते हैं। मेरे हस्बैंड को यही काम है, वो घर में बच्चों को संभालते हैं, मैं भीख मांगती हूँ। बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है बच्चे पैदा करने में। अच्छा हाँ, बड़ी चस आती है तुम्हें पता है, जब भी हस्बैंड बुलाते है ना, आओ ग्रीन टी पिए, फिर मैं दौड़ लगा के जाती हूँ। मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल, मैं उड़ी उड़ी उड़ के जाती हूँ। ये बड़ी हिम्मत है आपकी जी, बहुत हिम्मत है। इतने यूनिट बिजली के नहीं गिरते जितने हमारे गिरते हैं बच्चों के। ऐसे बहुत मजाक किया जी। अच्छा जी मैं जिस, हमने अपने पूरे खानदान को यूरोप अमेरिका भेजा हुआ है। अच्छा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यही काम करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वही काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। अच्छा यही काम करते हैं वहाँ जाकर। तो आप लोगों ने तो बड़ी तरक्की की है भाई। yes. आपने बच्चों में तरक्की की, आपने पैसा कमाने में तरक्की की। बस ये देखो जी, हेटर बनने में नहीं स्वाद जो है ना, भीख मांगने में है ना, सपोर्टर बनो ना हेटर बनो, भीख मांगने में ज्यादा मजा है। हाँ जी, केस करा देते हैं अगले, जान चढ़ाओ अपनी। अरे अस्कन रुस्कन जो देते हैं पता है तुम्हें? अच्छा, मैं छुपी हुई हूँ, लोगों को नाम ही नहीं बता रही मैं कि मैं हूँ कौन। अच्छा आपने नाम ही नहीं बताया? ना क्यों बताऊं जी। अच्छा आप बड़ी तेज है वैसे, आप इधर से 15-16 केस ये भी करवाएं, उधर से केस भी भुगते हैं, तो इससे बेहतर है ये केस, बेहतर है इसका तो मजा। आम बंदा ये नहीं कर सकता जो हमने कर दिया है। वाह वाह वाह, हाँ। बड़ा मजा आया जी आपके साथ इंटरव्यू करके आज। और मुझे नहीं मजा आया। क्यों? इतनी देर में मैं 4-5 हजार दिहाड़ी कमा चुकी होती। तो मैं दूंगा ना आपको, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चले जी अभी तो माफ करें, नाम पे दे दे बाबा, अभी तो माफ करें। तो अपने व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहें कि कौन सा काम? माफी मैं उस सूरत में करूंगी, दो ठुड्डे खाने पड़ेंगे तुमको मुझसे। मुझे और ठुड्डे आप मारोगी? यस। चले जी आप ये शौक भी पूरा कर लें। हाँ। लिहाजा कैमरा बंद करने के बाद। ओके ठीक है। चले जी आज का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर देना, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाना। इसके साथ हमें दें इजाजत जी, अल्लाह हाफिज। बस क्या क्या बस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर भी दिया तूने, अल्लाह हाफिज कर दिया तूने। मेरा इंटरव्यू सही क्यों नहीं कराया है बता दे मुझे। आप इंट्रोड्यूस अपना खुद कराया ना, छोड़े जी ये ले जी, मैंने अपना सारा कुछ उतार दिया बस, अब अल्लाह क्या बदतमीजी है, चल फड़ा मेरे पैसे, बंद कर दिया है, फड़ा मेरे पैसे। किस चीज के पैसे? कैसे मुच्छड़, तुम मेरे पैसे बताओ, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़। क्यूट मुच्छे हैं मेरी, तुम मुच्छड़ मुच्छड़ ऐसे क्या, चलो जाओ फ्री में हमारा इंटरव्यू ले लिया लोग, या खुद कमाएंगे व्यूज लेके हमारा इंटरव्यू फ्री में ले लिया इन्होंने। क्या चलो अब इंस्टाग्राम पे बजना करो, आत्मा लग रही है जिंदा लाश है। हां मैं और आत्मा? यस। वाह वाह मर बेहिया, ये किस तरह की बातें करते हो तुम। बुलबुल आ जा, बुलबुल आ जा, चलिए ओए कैमरा बंद नहीं किया पैसे दे दो हमारे।